अगर कोई आपकी वीडियो देख के आना चाहता है तो आप रिकमेंड आगे करोगे? बिल्कुल करूंगा, 10 में से 10 नंबर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, क्योंकि महाकाल से इतनी दूर से तो पहले आते हैं वे, आए हैं भैया 1000 किलोमीटर वन साइड, यानी कि आने जाना दोनों 2000 किलोमीटर, तो आप खुद सोचो 20,000 रुपए का तो सिर्फ भैया का पेट्रोल लगा है, 20,000 रुपए का। तो जी राम राम सही भाइयों को, क्या है भाई आप सबकी, उम्मीद करता हूँ बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे। भाइयों कृष्ण भाई के पास आए हैं ऑटो यूनिक पे, भाई फ्रॉन्क्स आ रखी है, बेस मॉडल, सिग्मा मॉडल, और स्पेशली बात क्या भाई, ये महाकाल से गाड़ी आई है भाई, 1000 किलोमीटर दूर से गाड़ी आई है एक तरफ से, मतलब आना जाना 2000 किलोमीटर सोचो भाई। तो बहुत शानदार वीडियो बनी भाई, एंड तक देखना भाई, पूरा अच्छा खासा काम हो रहा है, कम बजट में बढ़िया काम इस गाड़ी में हो रहा है, एंड में बताऊंगा गाड़ी का कितना कुछ खर्चा आया, तो वीडियो एंड तक देखना। वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करने से पहले नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी, आशा करता हूँ स्वस्थ मस्त अपने घर में कुशल मंगल हो गया। अगेन आज फिर से मैं कृष्ण तिवारी एक नई वीडियो में आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ, और आज फिर से एक नई गाड़ी की तरफ आपको लेके आया हूँ। गाड़ी का नंबर आप देखोगे, राजस्थान की गाड़ी है, पर स्पेशली गाड़ी एमपी महाकाल से आई है, एमपी जो है अपना वहाँ से आई है गाड़ी, ग्वालियर के आसपास से। इसके बाद इस गाड़ी के अंदर डेल्टा मॉडल गाड़ी थी, और इसके अंदर हर वो चीज़ हुई है जो टॉप मॉडल में ज़रूरत होता है, हर वो चीज़ भैया ने कराया है, चाहे मैं DRL की बात करूँ, चाहे मैं ऑटो फोल्ड जो की से लॉक अनलॉक होता है उसकी बात करूँ, चाहे मैं एक बेस्ट इंटीरियर की बात करूँ, तो सारी चीज़ें आपको डिटेल में दिखाने वाला हूँ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है, अगर आप भी चैनल पर नए हैं या फिर आपने बलिनो, ग्रैंड विटारा, फ्रॉन्क्स, ग्लैंसा आपका या ब्रिज़ा कोई सी भी गाड़ी लेने की सोची है, या आपके नोन में कोई है जो लेना चाहते हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा, जिससे आपको सारी चीज़ें पता लग सके, एक एक चीज़ आप डिटेल में समझ सके। तो चलते हैं, देर ना करते हुए गाड़ी की तरफ देखते हैं क्या क्या चीज़ें किस तरीके के हैं, कॉस्टिंग के साथ, प्राइजिंग के साथ जानेंगे। तो सबसे पहले बात करें DRL की, जो इस गाड़ी की गेम चेंजर DRL है, वो कंप्लीट इसके अंदर लग चुकी है। आपको पता है डेल्टा मॉडल में बेस मॉडल की तरह ही जो एक सिर्फ नॉर्मल आता है वो इसके अंदर लगी होती है, और अभी जो है 3 स्कूप वाली पूरी DRL है वो पूरा कंप्लीट लग चुका है। इसके अंदर मुझे जो खास चीज़ लगती है, जैसे मैं इसकी पार्किंग ऑन करूंगा वैसे ही इसकी DRL जो है वो बहुत ज़्यादा डार्कनेस इसका हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, जो एक परफेक्ट लुक और परफेक्ट पार्ट आपको देखने को मिलता है। और सेम जैसा मैं इंडिकेटर अगर लेफ्ट की तरफ टर्न करता हूँ, लेफ्ट की तरफ देता हूँ, तो इंडिकेटर आपका लेफ्ट की तरफ पूरा वर्किंग हो जाता है, और यही अगर मैं राइट की तरफ देता हूँ तो पूरा राइट की तरफ पूरा वर्किंग हो जाता है। तो ये एक बेस्ट बेस्ट पार्ट आपको देखने को मिल जाता है, कहीं ना कहीं एक अल्टीमेट अमेजिंग पार्ट जो है वो इसका देखने को मिल जाता है, कि जैसे ही हम रात को भी इसको कंप्लीट वर्किंग में रख सकते हैं और दिन में भी रख सकते हैं, जैसे DRL का नाम ही होता है डे नाइट लाइट, जो आपका पूरा वर्किंग रहता है। इसके साथ साथ ही आपको पता है फ्रॉन्क्स के बेस मॉडल से ही जो इसका हेडलाइट है उसमें आपको कंपनी प्रोजेक्टर ऑफर करती है, जिसके साथ आप देख सकते हो 180 वॉट की LED लगी है, जिसका थ्रो रिस्पॉन्स आप देखेंगे ये सिर्फ लो बीम है, जो एक शानदार रिस्पॉन्स आपको मिल जाता है, और ये इसका टिपर है। और इसमें भी आप अगर बताऊं मैं आपको, फॉग में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो एक अल्टीमेट रिस्पॉन्स मिलता है एज अ 18,000 क्वेरीज के साथ साथ, जो आपका फॉग को काटने की कैपेसिटी है वो काफ़ी अच्छी, काफ़ी अमेजिंग रहती है। ये एक बेनिफिट वाला पार्ट आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है, जैसा आपको इसके अंदर देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ आपका कम्प्लीटली यहाँ पे पूरा ग्रिल चेंज करने का ऑप्शन होता है वो आप करा सकते हैं, हॉर्न चेंज करने का ऑप्शन होता है वो आप करा सकते हैं, एक काफ़ी अमेजिंग पार्ट आपके साथ है वो रहता है। अभी मैं हॉर्न आपको दिखाता हूँ, जैसे एक स्कूटी के हॉर्न होते हैं छोटे, वैसा एक साउंड आपको देता है कहीं ना कहीं। इसके बाद अगर बता दूँ नीचे की तरफ क्रोम का पार्ट होता है वो आप लगवा सकते हैं, इसके साथ अलॉय व्हील का ऑप्शन होता है वो आप करा सकते हैं, जो अभी इसके अंदर नहीं हुआ है, ऑप्शन होता है आप ज़रूर इसके अंदर करा सकते हैं। और अलॉय व्हील की कॉस्टिंग भी बताऊँ आपको, 26,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये के बीच में आपको उसकी कॉस्टिंग देखने को मिल जाती है। साइड मिरर है, जो एक ऐसा फीचर जो टॉप में मिलता है सिर्फ अल्फा मॉडल में, वो इसके अंदर लगा है, जो है की के साथ लॉक अनलॉक का वो प्रॉपरली यहाँ पे वर्किंग हो गया है। जैसे मैं लॉक कर रहा हूँ या फिर अनलॉक कर रहा हूँ, एक सिंगल क्लिक पर आप देखेंगे यहाँ पर पूरा वर्किंग है, पहले अंदर से सिर्फ होता था बाहर से नहीं था, वो आपका यहाँ पे पूरा वर्किंग आपको यहाँ मिल जाता है। इसके साथ साथ इसके अंदर डैम्पिंग हो चुकी है, और डैम्पिंग में आप देखोगे यहाँ पे बिल्कुल डन ऐसा साउंड करता है, और यहाँ पे आप एक ठोस, एक हैवीनेस जो है वो कहीं ना कहीं आ गया है। एक मारुति की गाड़ी में 100% नहीं 200% मैं आपको हमेशा डैम्पिंग रिकमेंड करता हूँ, यही रीज़न है आपको डैम्पिंग बताने का, क्योंकि एक काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है अगर आप कंपेयर करो टाटा या महिंद्रा की गाड़ी से। डैम्पिंग से आपका जो म्यूज़िक सिस्टम है उसमें काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाता है, आपका रोड नॉइज़ ख़त्म हो जाता है, AC का कूलिंग काफ़ी अच्छा हो जाता है, आपके जो डोर में पानी जाने की कैपेसिटी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। इसके बाद रेन वाइजर है, जो नेक्सा जेन्युइन आपको देखने को मिलता है, और अगर मैं
नेक्सा एसेसरीज पे बात करूँ डिस्काउंट की, तो जैसी गाड़ी आई थी हमने सबसे पहले 25% देना शुरू किया डिस्काउंट, फिर 40%, फिर आगे हमने 50% बहुत लंबे टाइम तक दिया। अब जो है एक आप लोगों के इतने सारे प्यार सपोर्ट की वजह से 60% तक जो डिस्काउंट है वो लेके आ चुके हैं। और बहुत सारे लोग जो है, मैं वीडियो कई लोगों की मुझे कस्टमर बताते हैं या मैं देखता हूँ, 80%, 90%, 100% 95% लोग डिस्काउंट देते हैं। तो आप सिंपल सी चीज़ समझ लो, एक थ्योरी है कि कोई भी इंसान अपनी जेब से नहीं देगा, अपनी जेब से कोई लाके नहीं देता, कोई यहाँ पे कम कर रहा है तो दूसरी जगह से आपको लेके चला जाएगा। तो सिंपल सी चीज़ है, उनको भैया बोलो कि मुझे सिर्फ नेक्सा जेन्युइन एसेसरी लगानी है, लगा दोगे सीधा मना कर देंगे, सीधा छूटते ही मना कर देंगे। पर अपने पास अगर आप 60% में सिर्फ नेक्सा जेन्युइन एसेसरी भी लोगे ना, मैं आपको लगा के दूंगा। एक सिंगल चीज़ आप लगाने आओगे वो भी आपको लगा के दूंगा। ये चीज़ है, मैं आपको कोई ऐसा नहीं अपनी जेब से सामान लगा के दे रहा हूँ, दूसरी चीज़ में बराबर कर रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं करता ना कभी करूँगा। ये सारी चीज़ें आपके सामने में रहती है। इसके साथ साथ रेन वाइजर है, 2190 रुपये MRP आती है, लेस करके आपका 896 रुपये का आता है। इसलिए मैं एक एक चीज़ की प्राइसिंग भी बताता हूँ डिस्काउंट के साथ। उसके बाद आपका हैंडल क्रोम, इसमें ऑप्शन है, अभी बहन ने नहीं लगवाया है, चाहो तो आप लगवा सकते हो। बेस मॉडल में 1490 रुपये MRP होती है, 675 रुपये का होता है, नीचे साइड बीडिंग है, 2490 रुपये MRP होती है, लेस करके आपका 996 रुपये का होता है। विंडो गार्निश है जो आपका कंप्लीट स्टार्टिंग से लेके आप देखोगे लास्ट तक पूरा आपको देखने को मिलता है, और SS में होता है, स्टेनलेस स्टील में, जिसकी क्वालिटी की फिनिशिंग आपको काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होती है, काफ़ी अच्छी होती है। इसे 2 साल की आपको वारंटी में मिल जाती है, और क्रोम आपका नहीं होता, ये SS होता है, स्टेनलेस स्टील होता है, जो आपका हैवी क्वालिटी है। इसके बाद डैम्पिंग मैंने आपको दिखा दिया है, एक बार पीछे की तरफ लुक में चलते हैं, क्या क्या चीज़ें पीछे लगी वो देखते हैं। इसके साथ साथ फाइनली बैक साइड में आप आ चुके हैं, और बैक में आप देखोगे सबसे पहले आपका नीचे रिफ्लेक्टर लगा है, और रिफ्लेक्टर में देखो जैसे ऊपर की तरफ टेल लाइट में एज अ शेप है, इंडिकेटर टाइप एज इट इज आपको शेप मिल जाता है नॉर्मली यहाँ पे, और पूरा OEM फिटमेंट है, OEM फिनिश है, और यहाँ पे भी पूरा इंडिकेटर वर्किंग है जैसा ऊपर की तरफ, और सिर्फ इंडिकेटर ही नहीं, एज अ मैट्रिक्स स्टाइल, एज अ आपका स्कैनिंग टाइप जो कहते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। आपको जैसे ही मैं यहाँ पे बंद करूँगा, चालू करूँगा, जो स्कैनिंग वाला पार्ट है वो आपको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ ही आप देखोगे यहाँ पे पूरा कनेक्टिंग टेल लाइट का ऑप्शन होता है, अभी भैया ने नहीं लगवाया है। बहुत सारे लोग टेल लाइट का प्राइस जो है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, जो स्कैम जो चल रहा है उसकी वजह से टेल लाइट का प्राइस 5,000, 5,500, 6,000 रुपये डालते हैं, और आप जब लेने जाओ तो बोलेंगे टेल लाइट ही नहीं है। एक सिंगल टेल लाइट सिर्फ लेने जाओ बोलेंगे सिंगल चीज़ तो हम देते ही नहीं, क्योंकि वीडियो में पहले ही बोल रखा है कि सारा बेस टू टॉप कराओ तो ये रेट है, बेस टू टॉप कराओ तो ये रेट है। मेरे दोस्त, अगर मेरे पास कोई सिर्फ टेल लाइट लेने भी आता है तो मैं उनको देता हूँ, आप आओगे आपको दूंगा, अगर आप शहर में कहीं से भी हो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से, आपको टेल लाइट मैं दूंगा, और आपको मैं दिखा भी देता हूँ। ये कम्प्लीटली टेल लाइट अभी सिर्फ ये पैक पड़ी हुई है, अभी ये तो इस गाड़ी में लगने के लिए आई हुई थी, पर भैया को भी लगवाना नहीं है अभी, थोड़ा सा बजट की वजह से, बाकी आप चाहो तो आप लगवा सकते हो या मंगवा सकते हो एक सिंगल टेल लाइट भी। ऐसा नहीं है मेरे पास सिर्फ प्राइस कम ही नहीं है, मेरे पास सामान भी अवेलेबल है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि नहीं अवेलेबल, रेट बोल दिया और सामान ही नहीं दिया, सामान भी है, रेट भी बेस्ट है, दोनों चीज़ आपको कंप्लीट देता हूँ। टेल लाइट में 2 ऑप्शन होते हैं, 6,000 वाला जो होता है वो एसेसरी वाला होता है, और एक 8,500 वाला होता है जो स्पेयर पार्ट वाला होता है। अब चलते हैं अंदर, अंदर आप देखोगे इसके साथ साथ ही कैमरे का ऑप्शन होता है, ये कैमरा भैया ने कंपनी से लगवाया हुआ है, जो लगभग कंपनी में 4,500 रुपये का मिलता है, और ऐसा ही सेम कैमरा हम 800 रुपये से स्टार्ट करके 2,200 रुपये तक की क्वालिटी में हम लगा के देते हैं। पार्सल ट्रे इसमें कंपनी में लगी हुई आती है, जो एज इट इज़ कंपनी की है, CNG पार्सल ट्रे का ऑप्शन अपने पास होता है, वो आप लगवा सकते हैं, बाकी भैया ने पहले से लगवा ली इसलिए जो है वो नहीं लगवा सकते थे, ये वेस्ट जाएगी। बाकी एक बार अंदर चलते हैं और अंदर दिखाते हैं क्या क्या। इसके साथ साथ ही अंदर की तरफ अगर चलें तो बहुत ही अमेजिंग सीट कवर के इंटीरियर आपको देखने को मिलने वाला है, सॉफ्ट टच, एक रॉयल टच फीलिंग के साथ है। सबसे पहले आप मेरी उंगली की तरफ देखना, मैं इसको जितना प्रेस करूंगा उतना ही इसकी कुशनिंग जो है वो आपको देखने को मिलने वाली है। 3 थ्रेड के साथ पूरा होता है, यहाँ पे सबसे पहले 3 थ्रेड का यूज़ हो रहा है, फिर अगेन 3 थ्रेड का यूज़ यहाँ पे हो रहा है, फिर 3 थ्रेड का यूज़ है वो यहाँ पे हो रहा है, और डबल स्टिचिंग के साथ पूरा कंप्लीट आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। एक प्रॉपरली फीलिंग है, प्रॉपरली एक बहुत अच्छी खासी कुशनिंग है यहाँ पे भी आपको जो देखने को मिलता है, आप हर कॉर्नर में देख सकते हो, कहीं पे एक्स्ट्रा गैप आपको नजर नहीं आने वाला, तो ये एक बेस्ट फिटमेंट, बेस्ट लुक आपको देखने को मिलता है। और कंप्लीट जैसा आपका टॉप मॉडल में भी जितनी अच्छी फीलिंग नहीं होती, जितने अच्छा फिटमेंट नहीं होता, उससे भी ज़्यादा शानदार फिटमेंट आपको इसमें देखने को मिलता है, तो एक बेस्ट पार्ट आपको इसमें कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। अगेन आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे पूरा पेंटेड पार्ट है, पर एक्चुअल में पेंटेड नहीं है, ये पूरा सॉफ्ट टच किया हुआ है जो एज इट इज़ पूरा कंप्लीट है। यहाँ पे कॉर्नर देख सकते हो कोई एक्स्ट्रा गैप नहीं है, पूरा 0 to 0 जो फिटमेंट है वही फिटमेंट रखी गई है।
है। इसके साथ ऊपर की तरफ जीबिल के ट्विटर लगे हैं, उसका पूरा ट्विटर कवर, पूरा ट्विटर सेट पूरा लगा हुआ है, तो ये आप देख सकते हो एज इट इज़ पूरा कंप्लीट। अंदर की तरफ अगर बात करें, इसका फ्लेट है, वेलकम लाइट भी कहते हैं, डबल टोन में है, ब्लू एंड वाइट कलर के कॉम्बिनेशन में, और अंदर बाहर जाने में स्क्रैच प्रूफ होता है, आपका लुक काफ़ी इनहेंस हो जाता है, काफ़ी सारे बेनिफिट्स आपको इसमें एक्स्ट्रा आपको देखने को मिल जाता है। ऐसे ही अंदर की तरफ अगर देखो आप, फ्लोरिंग है जो पूरा आगे से लेके पीछे तक देखने को मिल जाती है, आगे के वॉल से लेके पीछे के पूरा जो आपका लास्ट जो सीट होती है वहाँ तक पूरा मिलता है, और कंप्लीट पूरी नीचे आपको फ्लोरिंग देखने को मिलती है, तो एक बेस्ट पार्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ स्टीयरिंग इसके अंदर लगा होता है, स्टीयरिंग रैदर रैप हुआ है डबल टोन के अंदर। अगर आप पूरे इंटीरियर को देखो एज अ सॉफ्ट टच को आप पूरा देखो, सामने से लेके डोर को, डैशबोर्ड को, फिर स्टीयरिंग को, फिर अगेन डोर को, तो इसके नीचे इसके नीचे वाला पार्ट जो है वो पूरा टैन कलर है, और उसके ऊपर वाला पार्ट जो है वो पूरा आपका एज अ ब्लैक कलर है, जो स्टीयरिंग में भी पूरा रखा गया है। इसके फिनिशिंग देख सकते हो, स्टिच देख सकते हो आप, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, बहुत ही अल्टीमेट है। 0-0 फिटमेंट है, एक अमेजिंग फील है, अमेजिंग फिटमेंट है। आप इसको एक बार टाइट से पकड़ के ऐसे घुमा लो, कहीं भी हिलने वाला नहीं है, ये रियल इसकी फिटिंग और फीलिंग आपको देखने को मिल जाता है, तो एक बेस्ट पार्ट यहाँ पे है। इसके साथ साथ फाइनली अंदर की तरफ आ चुके हैं, और अंदर भी आप देखोगे अमेजिंग तरीके से पूरा काम किया गया है। अगर आप सीट कवर में देखें तो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लुक है, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फील आपको सीट कवर मिलने वाला है। आपको मैं दिखाता हूँ सीट कवर में, मेन आपको हमारे सीट कवर के अंदर जैसे आप यहाँ से ऐसे हाथ लगाओगे या फिर बैठोगे ना, ये पूरी सिमेट्री आपको देखने को मिलती है, जो आपको थाई सपोर्ट में काफ़ी अच्छा सपोर्ट करती है। सेम ऐसे ही ड्राइवर साइड पर भी आपको काफ़ी अमेजिंग तरीके से थाई सपोर्ट देखने को मिलता है। एक रियल जो कुशनिंग है, रियल फील है, वो फील आपको बहुत अमेजिंग तरीके से देखने को मिल जाता है। आप जितना ज़्यादा इसको प्रेस करोगे उतना ही नीचे होता है, जो ऊपर अपने आप आ जाता है, जितना ही ये प्रेस होगा अपने आप ऊपर आ जाएगा, क्योंकि 40mm की इसके अंदर कुशनिंग होती है, जो 19mm का है वो अपना फैब्रिक है उसके साथ पेस्ट होता है, और प्लस उसके नीचे 21mm का मेमोरी फोम लगा होता है, जो मेमोरी फोम जितना आप प्रेस करोगे अपने आप में वो ऊपर आ जाएगा, प्लफी होगा पूरा, तो ये रीज़न होता है। प्लस अगर सीट कवर की मैं क्वालिटी की बात करूँ, प्रीमियम सोफा लेमिनेशन में है। कॉस्टिंग की बात करूँ, सीट कवर अपने पास ऑटोनी के पास 2500 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं, और क्वालिटी में 12500 तक की क्वालिटी जाता है। अगर आप जैसे कंपनी सीट कवर देती है, मारुति देती है, वैसे सीट कवर लेते हो बकेट फिटिंग में 4000 रुपये की कॉस्ट में शुरू हो जाता है। उससे हैवी में नापा साखा लेदर लोगे 4500-5500 रुपये है, उसके ऊपर रॉयल टच जो बिल्कुल हैवी क्वालिटी होती है, आपको कभी भी ख़राब नहीं होता, लाइफ टाइम वारंटी के साथ, एक प्रीमियम लुक के साथ 7500 रुपये। उससे ऊपर आपका 9500 रुपये होता है कॉस्ट, जो आपका सोफा लेमिनेशन होता है। उसके ऊपर जो ये सीट कवर है प्रीमियम सोफा लेमिनेशन, जिसमें 40mm कुशनिंग होती है, और आपको स्थाई सपोर्ट भी पूरा कंप्लीट देखने को मिलता है, और बैक सपोर्ट भी पूरा कंप्लीट देखने को मिलता है 12500। क्यों खास चीज़ें सीट कवर में, आपको तीन रीज़न बताया था। सबसे पहला रीज़न इसका फैब्रिक, क्योंकि इसका फैब्रिक इतना ज़्यादा स्मूथ है, इतना ज़्यादा अच्छा है, जब आप इसको ऐसे फील करोगे तो आपको रियल इसका फील, रियल गुडनेस जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ये रीज़न है कि इसकी क्या फीलिंग आपको नज़र आ जाती है। सेकेंड रीज़न, जो अपने पास बनता है इतना अच्छी तरीके से, फिटमेंट से हिसाब से बनता है, पूरे फर्मे से बनता है, जो कहीं पे भी हल्का सा रिंकल नहीं छूटता, रिंकल नहीं बसता, ये रीज़न। तीसरा, इसकी फिटमेंट, हर एक काम को अलग अलग करने के लिए अपने पास परफेक्शन होते हैं, अपने पास हर एक चीज़ परफेक्शन लेवर है, जिस चक्कर में कभी भी सीट कवर में ना एक हल्का सा भी अलग नहीं होता, हल्का सा भी दिक्कत नहीं आती, ये रीज़न होता है। प्लस सेंटर आर्मरेस्ट देख सकते हो, जेन्युइन मारुति का आपको देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छा खासा इसमें भी स्पेस आपको मिलता है, जो रियर एसी के साथ, रियर एसी ऑन होने के साथ आपको मिल जाता है। प्लस आप देखोगे सिस्टम के नीचे एज इट इज़ पूरा यहाँ पे, ये देखो एसी वेंट पूरा लग गया है, ये पूरा परफेक्ट है, आपको देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ बीच में आप देखोगे डैशबोर्ड के बीच का जो पार्ट है वहाँ पे भी पूरा सॉफ्ट टच हो गया है, इतना बड़ा वाला पार्ट जो डैशबोर्ड का आता है यहाँ भी कंप्लीट सॉफ्ट टच हो गया है। ऊपर जो अपना ये भी पूरी लाइट जो वाइट हो गई है, और अगेन आप डैशबोर्ड का पार्ट देखोगे एक 0-0 फिनिशिंग के साथ पूरा सॉफ्ट टच है, कहीं पर भी आपको अनइवन नहीं मिलता, इतना ज़्यादा फिनिशिंग, इतना ज़्यादा शानदार फिटमेंट है। आप कॉर्नर से भी देख सकते हो, कहीं पर भी आपको एक एक्स्ट्रा गैप नहीं देखने को मिलता, ये एक बेस्ट पार्ट। और सेम सामने वाले डोर में भी जो इसकी फील है, जो इसका फिटिंग है, फिनिशिंग है, वो आपको पूरा परफेक्टली देखने को मिल जाता है। एक एक चीज़ आपको पूरा ध्यान में रख के सारा काम है। ऐसे ही सेम पीछे की सीट की फिटिंग भी बहुत ही अल्टीमेट, बहुत ही अमेजिंग की गई है। चारों डोर पूरा परफेक्ट तरीके से पूरा एक एज अ इंटीरियर पूरा बनाया गया है, तो ये पूरा परफेक्ट काम आपके सामने में है। अब चलते हैं ओनर से, जानते हैं सारा काम कैसा लगा उनको और सारी चीज़ें किस तरीके की थी। काम दिखाया है पूरा परफेक्शन के हिसाब से, डेल्टा मॉडल गाड़ी थी, और आपको पता है डेल्टा में कुछ चीज़ें जो है कंपनी देती है, जैसे कि मिरर हो गया, जैसा म्यूजिक सिस्टम हो गया, पर फिर भी जो चीज़ें लग सकती है वो सब चीज़ें भैया ने लगवाई है। चाहे आप डैम्पिंग की बात करो, चाहे आप आगे टेल लाइट की बात करो, A to Z। तो जानते हैं सर से कि कहाँ से आए थे और कैसा सारा काम रहा। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम सुनील कुमार है। कैसा सारा काम रहा, कहाँ से आए पहले आप ये बताइएगा।
मैं उज्जैन महाकाल से आया हूँ। महाकाल से MP, जो अपना MP में है। ओके, 1000 किलोमीटर। पता कैसे लगा आपको हमारे बारे में? सिर्फ मैंने आपकी वीडियो देखी, कम से कम 200 वीडियो देखी, उसके बाद मैंने डिसीजन किया। गाड़ी एक महीना हो गया ले हुए, ओके, फिर लास्ट में आया। एक महीने में आप 200 से ज्यादा वीडियोस देख चुके हैं? हाँ, क्या बात है सर, बहुत धन्यवाद। मतलब एक कह सकते हैं 200 वीडियो, अगर आप एक वीडियो में 15 मिनट भी साथ में है तो आप कह सकते हो 300 मिनट, तो बहुत बड़ी बात है एक तरीके से। 3000 मिनट बहुत बहुत बड़ी बात है, यानी कि अगर मैं घंटे में कन्वर्ट करूँगा तो लगभग बहुत सारे घंटे हो जाएंगे, इतना कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट है कि 200 वीडियो मैंने देखी है, गाड़ी नहीं ली उसके पहले से देखी है, उसके पहले से आप देख रहे हैं, उसके बाद गाड़ी डिसाइड करी। क्या बात है सर, दिल से धन्यवाद आपका। अच्छा, ऑटोनिक पे आने का रीजन, क्योंकि वीडियो तो आपने और भी कुछ लोगों की देखी होगी? नहीं नहीं, मैंने और लोगों को भी देखा है, मुझे काम इतना अच्छा नहीं लगा जितना आपका लगा जी, क्योंकि फिनिशिंग वहाँ पे उज्जैन में भी काम आपको देखने को मिल जाएगा, पर दिल्ली में ही आप आए हैं और दिल्ली में आपने सारा काम कराया है, कुछ ना कुछ आपने खास, कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट जरूर आपने देखा होगा। अच्छा, जैसा आपने सोचा था, जैसा चाहा था, वैसा काम हुआ है? बिल्कुल वैसे काम हुआ है, शानदार काम हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो आपने सीट कवर दिखाए थे, सोच के आए थे जो, बिल्कुल वही मिले? वही मिले पक्का? पूरा कॉस्टिंग क्या थी सीट कवर की? 12,500 में सर ने लगाया है मेरे को, जो हम बताते हैं वीडियो में वही चीज सारी मिली है? वही मिली है सारी, पक्का? पक्का। और फिटिंग, फिटमेंट, डैशबोर्ड, इंटीरियर, डोर इंटीरियर सारा कैसा? बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। भैया थोड़ा सा ना डैशबोर्ड इंटीरियर में कंफ्यूज थे, कराऊं या ना कराऊं, पर भैया को सजेस्ट किया कि भैया देखो, अगर खाने में ना खाना कितना भी अच्छा हो जाए, मीठा ना होना, तो पूरा टेस्ट जो है ना वो नहीं मिलता, तो वो डैशबोर्ड जो है थोड़ा सा आपका मीठा है आपकी गाड़ी में, आप पूरे अपने हिसाब से जो गाड़ी कस्टमाइज करा रहे हो वो आपका पूरा परफेक्ट पूरी गाड़ी बना देगा डैशबोर्ड। तो भैया ने वो चीज़ सिर्फ मेरे कहने से कराई है, और ऐसा नहीं है कि भैया अगर मना करते तो हम जबरदस्ती करके देते, वो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी तरफ से कोई फोर्सफुल काम नहीं होता। अगर आप बोलोगे आपकी गाड़ी में 1 रुपये का काम करना है तो 1 रुपये का काम करते हैं, 1,000 का तो 1,000 का, और 1 लाख तो 1 लाख का, वो चॉइस आपकी होती है, आप जो चाहो वो आप करा सकते हो। बाकी भैया अगर कोई आपकी वीडियो देख के आना चाहता है तो आप रिकमेंड आगे करोगे? बिल्कुल करूँगा, 10 में से 10 नंबर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, क्योंकि महाकाल से इतनी दूर से तो पहले आते हैं, वे आए हैं भैया 1,000 किलोमीटर वन साइड, यानी कि आने जाना दोनों 2,000 किलोमीटर, तो आप खुद सोचो 20,000 रुपये का तो सिर्फ भैया का पेट्रोल लगा है, 20,000 रुपये का। 20,000 रुपये भैया ये भी सोच सकते थे मैं वहीं बचा के वहीं करा सकता हूँ, कम नहीं होते 20,000 रुपये मेरे दोस्त, किसी को 2-4 हज़ार एक्स्ट्रा देंगे और चाहते तो और 2-4 चीज़ें और एक्स्ट्रा करा सकते थे, पर इतनी दूर से आना, रीज़न एक सिंगल था कि काम का परफेक्शन, काम की क्वालिटी, फिनिशिंग, ये सब कुछ भैया ने जो है वीडियो में देखा जैसे मैंने आपको दिखाया है। बाकी थैंक यू सो मच भैया, दिल से धन्यवाद आपका, इतनी दूर से आप आए हैं, और यही कहूँगा मैं दोबारा बहुत जल्दी दूसरी गाड़ी लेके आएँ, जैसे आपने बताया आगे लोगों को भी रिकमेंड करेंगे। और आपको भी एक ही चीज़ बोलूँगा, देखो काम ऑल ओवर इंडिया आपको बहुत लोग करके दे देंगे, पर जैसा ये मैंने आपको सिर्फ सीट कवर की फैब्रिक दिखाई है आपको, ये फैब्रिक आप कहीं पे भी ढूंढ लेना, कहीं पे भी ढूंढ लेना, नहीं मिलने वाला सिर्फ ये फैब्रिक, चाहे आप करोल बाग में हो, चाहे आप कश्मीरी गेट में हो, चाहे आप पूरी दिल्ली की बात करो, चाहे आप ऑल ओवर इंडिया कहीं की भी, क्योंकि देखो किसी के पास कुछ अच्छा है, किसी के पास कुछ अच्छा है, किसी के पास कुछ अच्छा है, ऐसे ही जो OEM पार्ट आपको देते हैं ना, जो हर जगह है पूरे हिंदुस्तान में, वो आपको OEM पार्ट दे सकते हैं, जो सीट कवर मैन्युफैक्चर है वो आपको सीट कवर बना के आपके हिसाब से कस्टमाइज डिज़ाइन कस्टमाइज कर सकते हैं, पर ऐसा फैब्रिक, ऐसी फिटिंग, ऐसा पूरा फिनिशिंग आपको कोई नहीं दे सकता जैसे इसके अंदर है। तो ऐसे काम के लिए एक बार ज़रूर विजिट करें, इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों फ्री है, आप एक बार कॉल करके पूरा कन्फर्म करें, चीज़ों को समझे, चीज़ों को जाने, उसके बाद आपकी चॉइस है, आप जैसा चाहें वैसा करा सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और पूरी वीडियो देखने के लिए एक बार बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो जी भाइयों कैसी लगी फ्रॉन्क सिग्मा, इस तरीके से काम करा सकते हैं आप, अलॉय व्हील को छोड़ के और पीछे की कनेक्टिव टेलर को छोड़ के सारा ही गाड़ी में काम किया गया है। जो गाड़ी में खर्चा आया वो आया भाई लगभग 90,000 रुपये के आसपास गाड़ी में खर्चा है। कैसा लगा कमेंट करके बताना, और अगर आप भी काम कराना चाहते हो तो इस तरीके से आपके पास ऑप्शन आने वाले हैं, ठीक है भाई। बाकी लाइक करके जरूर जाना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके बताओ गाड़ी कैसी लगी। बाकी ऐसी प्यार बनाए रखो, सपोर्ट बनाए रखो, मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।